सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से करहाना, और करना पड़े जो आप त्याग अनुराग वश, तो करो शहर से निज भाग्य की सराहना, और प्रीति लगाना कुछ कठिन नहीं है सके, किंतु है कठिन नित्य नेह को निभाना, चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे, तन मन प्राण से प्रमोद युत चाहना। साथियों मैंने भी आपको एक कवित्त सुनाया, क्या होता है ये कवित्त, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा है कि मैडम कवित्त क्या होता है और कवित्त के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। आज मैंने इस वीडियो में कवित्त के बारे में ही विस्तार से चर्चा करने का निर्णय लिया है। इस वीडियो में हम आगे चलें, उसके पहले आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं। नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम, जो अभिवादन आपको रुचे वो मेरा स्वीकार कीजिए, और करते हैं शुरू कवित्त छंद। बेटा छंद किसे कहते हैं, छंदों के क्या प्रकार होते हैं, क्या प्रकृति है, क्या महत्व है, इस पर मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो क्रमशः देख सकते हैं। आज मैं आपसे कवित्त के बारे में बात करूंगी, क्या होता है कवित्त छंद। कवित्त एक वर्णिक छंद है। कवित्त कैसा छंद है, वर्णिक छंद। मैंने आपको बताया छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। मात्रिक में मात्राएं गिनी जाती हैं और वर्णिक में वर्ण गिने जाते हैं। तो कवित्त वर्णिक छंद है, अर्थात इसमें हम क्या गिनेंगे, वर्ण गिनेंगे, अक्षर गिनेंगे, मात्राएं नहीं गिनेंगे, इसलिए ये वर्णिक छंद है। दूसरी बात, इसमें चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, चार चरण होते हैं। चार चरण मतलब चार पंक्तियां होंगी, ठीक, चार चरण होंगे। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे, 31 वर्ण होंगे। और जब प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है, यानी कि चारों चरणों में 31 वर्ण है, समान वर्ण है, तो हम इसको क्या कहेंगे, समछंद। क्या कहेंगे इसको, समछंद। इसलिए कवित्त को वर्णिक समछंद कहा जाता है। अब ये वर्णिक समछंद जो टर्म्स है वो आपको समझ में आ गया, वर्णिक क्यों, क्योंकि वर्ण गिने जा रहे हैं, सम क्यों, क्योंकि प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है, यानी कि चार चरणों में 31 वर्ण है। क्लियर, आगे चलते हैं। 31 वर्ण होते हैं एक चरण में, 16 वर्ण के बाद और 15 वर्ण के बाद यति होती है, यानी कि पहली बार हम रुकेंगे 16 वर्ण के बाद, दूसरी बार हम रुकेंगे 15 वर्ण के बाद। इस तरह हो गया 31 वर्ण, एक चरण पूरा हो गया। यति मतलब ठहराव, तो 16 और 15 पे क्या होगी, यति होगी। क्लियर, क्या नियम, पहला वर्ण गिने जाएंगे वर्णिक, दूसरा क्या है समछंद, प्रत्येक चरण में समान वर्ण है 31, कितने वर्ण है 31 वर्ण है, यति कितने पर है 16 पर और 15 पर यति है। इसका एक नियम और है कि प्रत्येक चरण के अंत में गुरु आएगा, कभी लघु नहीं आएगा, हमेशा गुरु आएगा। और परंपरा यह है कि लघु और गुरु आना चाहिए, बाई चांस लघु ना भी आए उसके पहले, तो अंत में गुरु का आना अति आवश्यक है। क्लियर, एक चीज और, इसमें हम गण नहीं गिनते हैं, गण गिनने की कोई नियम और व्यवस्था इसमें नहीं है। क्लियर, तो यहां तक आपको कवित्त के जो लक्षण हैं, कवित्त की परिभाषा बना सकते हैं आप इस लक्षणों के आधार पर कि किसे कहते हैं, कवित्त की क्या विशेषता होती है। फिर से दोहरा देती हूं आपको, कवित्त एक वर्णिक छंद है, कवित्त एक समछंद है, कवित्त में चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर यति होती है, पहली यति 16 पर चरण में और फिर 15, यानी 31 वर्ण हो गए। क्लियर, अंत में क्या आएगा, गुरु आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब अपन एक उदाहरण के द्वारा इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए जरा, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज को, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिंध मान, सोच बस कहे एक एकन सो, कहा जाए का करी, वेद हूँ पुराण, कही लोक हूँ बिलोकियत, और साकर सबे पे राम रावर कृपा करी, दरिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, और दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। अब देखिए, एक चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, कितने चरण हो गए, चार चरण। क्लियर, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण बताए मैंने, 31 गिनिया, और कितने पे यति बताइए, 16 पे और 15 पे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह, सोलह वर्ण हो गए। हो गई यति, कौमा लग गया। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह, हो गए पंद्रह वर्ण। और यति हो गई। और सोलह और पंद्रह कितने होते हैं जोड़ो तो? इकतीस। यानी कि एक चरण में कितने वर्ण? इकतीस वर्ण। क्लियर। लास्ट में देखो, री है गुरु, करी है गुरु, करी है गुरु, करी है गुरु, यही लक्षण बताए मैंने आपको। वर्ण गिने जाते हैं, इकतीस मात्राएं होती हैं, सोलह पे यति है, पंद्रह पे यति है, चार चरण है और अंत में लघु गुरु है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये होता है कवित्त छंद। जहां तक मेरा ख्याल है अब आपको कवित्त छंद में कोई परेशानी नहीं होगी। रीति काल में आपने जितने कवि पढ़े हैं सबने कवित्त लिखे हैं, और कवित्त का बोलने का जो स्टाइल होता है वो एक अलग लय और ताल में बोला जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको बोलकर बताया। लोग इसको गाकर भी सुनाते हैं। तो ये है कवित्त छंद। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने संगीत साथियों को दूर दूर तक पहुंचाएं, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगी। इसी के साथ धन्यवाद।